मैं भी हो चुका हूँ तैयार। मैंने ले लिया अपना सारा सामान, चार्जर वार्जर सब कुछ ले लिया है और अब निकलते हैं यहाँ से एक बार हॉस्पिटल के लिए। भैया अभी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं प्रीति हॉस्पिटल पे, तो एक बार चलते हैं भीतर और मिलते हैं। पीछे वाले टायर की हवा निकल चुकी है, अब एक बार तो भैया ये है अपनी पुरानी वाली बैटरी जो कि डेड हो चुकी है। गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ओके बज चुके हैं 9 और अभी मैं भी जस्ट सोके उठा और घर में कोई है नहीं तो मैं घर में अकेला हूँ। शायद यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया हमारे यहाँ पे, तो शायद लाइट अभी यहाँ पे 48 आवर्स की हड़ताल है तो वहाँ पे लाइट नहीं आने वाली है। और घर में पानी वानी भी है नहीं, मैं ब्रश करने के लिए मुँह धुलने गया तो फिर वहाँ पे पानी ही नहीं आ रहा है। घर में पानी भी हो चुका है ख़त्म, चाय कर दिया मैंने गर्म, चाय पी के एक बार निकलते हैं घर से। मैं भी हो चुका हूँ तैयार, मैंने ले लिया अपना सारा सामान, चार्जर वार्जर सब कुछ ले लिया है और अब निकलते हैं यहाँ से एक बार हॉस्पिटल के लिए। तो भैया आज का मौसम भी कल की तरह ही है, एकदम बस बदरी बदरी हुई, बहुत हल्की हल्की धूप हो रही है, तो चलते हैं निकलते हैं हम भी। अभी भाई हम अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं और इस पर भी नाम भी लिखवाना है और हमें हॉस्पिटल भी जाना है, तो चल लेते हैं अब। तो भैया आज बहुत सुबह सुबह हमने निकल चुका है अपने ब्लॉगिंग कैमरा लेके, क्योंकि इतनी सुबह तो जनरली हम कभी निकलते नहीं हैं घर से और आज यहाँ पे मौसम भी ऐसा ही है कंपनी का, बहुत शांत का मौसम है, एकदम प्यारा के लोग अपने अपने कामों पर चले जा चुके हैं। भैया अभी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं प्रीति हॉस्पिटल पे, तो एक बार चलते हैं भीतर और मिलते हैं। तो भैया अभी चलते हैं फटाफट सेकंड फ्लोर। हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा है लेकिन है पूरा खाली खाली, यहाँ पे हुआ बड़े पापा की आँख का ऑपरेशन, तो एक बार हम उनसे मिलते हैं। तो भैया यहाँ पे अपने सारे काम निपटा लिए और बड़े पापा को भी छोड़ दिया और यहाँ से हम निकलते हैं और यहाँ पे चल रही बहुत प्यारी सी हवा, एकदम मस्त शानदार। तो भैया अपने मैक्स में हो चुका पेट्रोल ख़त्म, एक बार चल के इसको कराते हैं रिफ्यूल, ये आके खड़ी हो चुकी है, ले चलते हैं इसको रिफ्यूल कराते हैं एक बार फटाफट से। तो भैया हमने फ्यूलिंग करा ली और यहाँ पे नाइट्रोजन भराने के लिए लगी हुई है लंबी लाइन, तो एक बार इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का, फिर भराते हैं इसमें नाइट्रोजन। तो भैया अपने दोनों टायरों की हवा निकल चुकी है, ये देखो पूरी तरह से, और पीछे वाले टायर की हवा निकल चुकी है, अब एक बार इसमें फिल कराते हैं नाइट्रोजन। भैया अभी अंकल भर रहे हैं नाइट्रोजन, 32 पॉइंट पीछे टायर में डलाते हैं नाइट्रोजन और आगे के टायर में भराते हैं 28 पॉइंट, क्योंकि आगे थोड़ा सा कम रहेगा तो चल जाएगा काम। तो भैया अपना सारा काम हो चुका है और यहाँ से हम भी निकलते हैं घर के लिए। मैं भी घर आ चुका हूँ और आयुष्मान ये साइकिल निकाल निकाल के व्हीली मारता रहता है पूरा दिन, आजकल इसी की प्रैक्टिस चल रही है इसकी साइकिल से व्हीली मारने की। तो मैं सुबह से चला गया था तो इसे मिला भी नहीं था और फिर लाइट भी आ गई है तो ये पूरा दिन से टीवी देखने में बिजी था। तो भैया हो चुके शाम, एक बार यहाँ मैं फिर से घर से निकल रहा हूँ क्योंकि मेरी पैशन प्रो में बैटरी हो गई है डेड, तो एक बार चल के उसकी बैटरी लगवा के आते हैं। तो भैया ये है अपनी पुरानी वाली बैटरी जो कि डेड हो चुकी है, अभी हम लगवा रहे हैं गल्फ राइड, तो ये भैया लगा रहे हैं गल्फ राइड की बैटरी। तो गाइस अभी यहाँ पे मैं भी आ चुका हूँ घर और आयुष्मान कल से मेरी बनारस की ट्रिप स्टार्ट हो रही है 3 दिन की, तो आयुष्मान का भी चलने का मन था लेकिन अभी इसके एग्जाम चल रहे हैं तो ये तो नहीं जा सकता। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और बनारस वाली सीरीज आप देखना मत भूलिएगा क्योंकि वो इस वीडियो के जस्ट बाद से शुरू हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना क्योंकि काशी विश्वनाथ वाला ब्लॉग बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो आपसे मिलते हैं फिर से अगले दिन काशी वाले ब्लॉग में।